आप विश्वास मानो ईश्वर साक्षी है कि कांग्रेस पार्टी के बस्ते लगवाने में, कांग्रेस पार्टी के चुनाव लाने में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा योगदान है। कांग्रेस पार्टी ने वोट कटवा का काम किया है और फिर MIM और आम आदमी पार्टी का तो कहने क्या, लोकल चुनाव में जिस तरह से उन्होंने वोट काटने का काम किया है उससे कहने का नुकसान हुआ है। कर्नाटक का परिणाम बताता है कि भारतीय जनता पार्टी वो नहीं है जिस नाम पर लोग गुमान करते हैं। कल मतगणना हुई जो कानपुर के मेयर चुनाव की, उसमें हम लोग पराजित हुए। तो अपने साथियों को उनके हौसले के सलाम करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी से हम लोगों ने वो मुकाम हासिल किया है जो इसके पहले समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं किया। ये सही है कि ये चुनाव जो मेयर का चुनाव है ये हम लड़ना नहीं चाहते थे, ना ही मेरी पत्नी लड़ना चाहती थी, लेकिन हम लोग पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी के निर्देश का पालन करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश हुआ कि आपकी पत्नी को चुनाव लड़ना है, तो हमारी पत्नी ने चुनाव लड़ा और पूरी हिम्मत के साथ लड़ा। हमने कहीं पूरे चुनाव में कोई निगेटिविटी नहीं आने दी, हमने अपने हौसले में कोई कमी नहीं आने दी। चुनौतियों का ज्ञान हमको भी है, राजनीतिक क्षेत्र में है, हमको पता है कानपुर शहर की राजनीति में क्या चुनौतियां हैं, क्योंकि एक तरफ तो उनका जो जिनसे हमारी लड़ाई थी उनका सिंबल काम करता है, उस व्यक्ति को वोट नहीं मिलता। वहां लोग कहते हैं प्रत्याशी कोई भी हो, हमारा प्रत्याशी कमल का निशान, तो वो कमल का वोट है, उसमें कुछ कर नहीं सकते। और हमारी चुनौती ये भी थी कि पिछले कई चुनाव से हम लोग तीसरे और चौथे की लड़ाई लड़ रहे थे, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो और चाहे वो महापौर चुनाव हो, हम लोग तीसरे और चौथे की लड़ाई लड़ते थे। तो हमारा कर्तव्य था कि पहले हम अपने लोगों को संगठित करके इस प्रकार से हमला करें कि हम कम से कम लड़ाई में तो आवे। हमें खुशी है कि हमारे लोगों ने पूरे मनोबल से, पूरे हौसले से इस चुनाव को लड़ा और हम लोग उस लड़ाई में आए। जब पूरे शहर ने ही मान लिया कि चुनाव हम लोग जीतने जा रहे हैं, हजारों की संख्या में बधाई शुभकामनाएं आ गई, बहुत सारे अधिकारी नमस्ते कर गए, इससे लगा कि चुनाव हम लोग जीत भी सकते हैं। हालांकि जो चुनौतियां थी उनका ज्ञान हमको भली बात था। एक तो चूंकि ये मेयर का चुनाव था, साथ में पार्षदों का चुनाव भी था, हमारी 110 पार्षदों की तैयारी मजबूत नहीं थी और आखिरी समय पर टिकट होने के कारण उसको बदलने की ताकत हमें भी नहीं थी। जो था सो था। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में जहां उनके मजबूती से 110 वार्ड लड़ रहे थे, वहीं उनके जो बागी लड़ रहे थे वो भी कमल निशान के खिलाफ वोट नहीं मांग सकते थे। हमारे पास कई वार्डों में बहुत कमजोर कैंडिडेट थे, कई बगावत भी थे, तो उसकी वजह से भी हमको नीचे के चुनाव का जो बंटवारा था उसका नुकसान ऊपर के चुनाव में भी उठाना पड़ा। यहां तक कि जो MIM वोट पाई है या कांग्रेस पार्टी पाई है, बसपा पाई है, ये वोट भी हमारा ही वोट था, झाड़ू वाला वोट। ये हमारे ही वो सारे प्रत्याशी जिनको हम लोग पार्टी से टिकट नहीं दे पाए, वही सारे लोग तो जाकर के लड़े इन पार्टियों से, तो वो वोट भी हमारे ही लोगों का वोट काटा। इसकी वजह से कई जगह पार्षद पद में भी हम लोगों के प्रत्याशी हारे हैं, क्योंकि हमारे ही लोग जो MIM से लड़े या झाड़ू से लड़े या कांग्रेस से लड़े या बसपा से लड़े, इन लोगों की वजह से हमारे लोग कई जगह हारे हैं। हालांकि वो लोग एक दो सीट जीत पाए हैं, बहुत सारी सीट वो लोग भी नहीं जीत पाए। यदि आप ध्यान देंगे जो कांग्रेस पार्टी के लोगों पर, MIM के लोगों पर या झाड़ू वाले जो आम आदमी पार्टी के लोगों पर, ये सारे लोग जो जीते हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की ही उपज हैं। तो हमारा नीचे का बंटवारा ऊपर के चुनाव में भी नुकसान करता ही है। और देखो 2,62,000 वोट हम पाए हैं जो आधिकारिक मतगणना में आया है। हालांकि हम अगर कोई आरोप लगाएंगे जो वोटिंग सिस्टम था जिसमें वोटर लिस्टें पूरी कटी हुई थी, खासतौर पर अल्पसंख्यक इलाकों की वोटर लिस्टें पूरी तरीके से 15-15 साल पुरानी वोटर लिस्ट दे दी गई, जिसे मरे लोगों के नाम तो थे पर जिंदा लोगों के नाम नहीं थे, वोटिंग मशीन में क्या खेल हुआ पता नहीं, हमारे पास वोटिंग कितनी हुई इसकी लिस्ट हमको आखिरी समय तक नहीं मिली प्रशासन से, जाने क्या खेल होना था, मतगणना पैटर्न भी हमको नहीं दिया गया प्रशासन से, उसमें जाने क्या खेल होना था। पर छोड़ो, ये सब बातें करेंगे तो लोग कहेंगे ये हल्की बात कर रहे हैं, और हल्की बात करना हमारी आदत में नहीं है। हम लोग संघर्ष के सिपाही हैं, इसे जो हुआ सो हुआ। 2,62,000 वोट हम लोगों को मिला, पिछला रिकॉर्ड हमारा 1,23,000 वोट का था, और 25,000 वोट तो डुप्लीकेट वंदना वाजपेयी को मिला है जिसको छल कपट से भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया था, 25,000 वोट वो पाई है। तो आप मानो कि कम से हमारा डर था अगर वो वोट जोड़ दो तो 2,87,000 होता है, फिर जो कांग्रेस पार्टी पाई 90,000। आप विश्वास मानो ईश्वर साक्षी है कि कांग्रेस पार्टी के बस्ते लगवाने में, कांग्रेस पार्टी के चुनाव लाने में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा योगदान है। कांग्रेस पार्टी ने वोट कटवा का काम किया है और फिर MIM और आम आदमी पार्टी का तो कहने क्या, लोकल चुनाव में जिस तरह से उन्होंने वोट काटने का काम किया है उससे कहने का नुकसान हुआ है। फिर भी 2,62,000 लोगों ने सीधा वोट किया है, 25,000 लोगों ने हमको गलती से वोट हमारे नाम पर किया है। अगर 2,87,000 लोगों ने कानपुर शहर के अंदर हमको वोट किया है, आप विश्वास मानो जो ठप्पा है हम पर कि हम लोग समाजवादी पार्टी के हैं, हमको केवल अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वोट करते हैं, ऐसा नहीं है। हमको बड़ी संख्या में हमारे लोगों ने, सभी जातियों ने बड़ी संख्या में वोट किया है। और ये चुनौती मेरे ऊपर इसलिए है क्योंकि विपक्ष का
सारा दारोमदार मेरे ऊपर रहा है पिछले 6 साल में और आगे भी आने वाले सालों के लिए दारोमदार हमारे ही ऊपर है। इसलिए कोई कुछ सोचे, कोई कुछ कहे, लेकिन विपक्ष की जिम्मेदारी यदि मेरे ऊपर है और कानपुर के लाखों लोग यदि मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर भरोसा करते हैं तो मैं अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ूंगा नहीं। अपने सभी साथियों को सलाम करते हुए मैं ये अपील करना चाहूंगा कि पूरी हिम्मत के साथ, हौसले के साथ डटे रहिए। जो मेरे पार्षद साथी जीत करके आए वो अपने क्षेत्र में विकास की नई इबारत लिखें, इसमें जो हमारा सहयोग हम करेंगे। और जो पार्षद साथी बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के पार्षद साथी दूसरे स्थान पर आए हैं, कहीं ना कहीं पार्टी का जो वर्चस्व बढ़ा है उसका परिणाम है। पहले ये स्थान कांग्रेस पार्टी का हुआ करता था, अब ये समाजवादी पार्टी का स्थान हुआ है। जो दूसरे नंबर पे आए वो भी अपने कम न माने, अपने क्षेत्रों में जनता की सेवा में लगे रहें, लोगों से जुड़ करके रहें, पारिवारिक रिश्ते बनावें, क्योंकि जिससे लड़ना है हम लोगों को वो आसान नहीं है। हालांकि ये भी मजबूत बात है कि वो 6 प्रदेशों में बची है केवल, वो 6 जहां जहां पढ़े लिखे प्रदेश हैं, जहां ज्यादा बुद्धिजीवी लोग हैं वहां से हटती जा रही। कल कर्नाटक का परिणाम भी आया, मुझको अधिकारियों ने बताया कर्नाटक का परिणाम खिलाफ आने जा रहा भारतीय जनता पार्टी के, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से भी करके इस सीट को जीतेगी। और जिस प्रकार की काउंटिंग थी उस काउंटिंग में हिसाब किताब रखना संभव नहीं था, बड़ी संख्या में उन्होंने वोट का लिखा पढ़ी में गड़बड़ किया होगा, पर जाने दो, वो तो जो किया होगा सो किया होगा। पर कर्नाटक का परिणाम बताता है कि भारतीय जनता पार्टी वो नहीं है जिस नाम पर लोग गुमान करते हैं। कहीं वो कहते हैं अतीक का इशू था, कहीं वो केरला स्टोरी थी, पर इसका हमारा जो मुद्दा था कानपुर शहर की साफ सफाई का, पानी का, सीवर का, वो पीछे हट गया, दूसरे मुद्दे आगे हो जाते हैं। पर 2,87,000 वोटर के लोगों की जो वोट सीधा पड़ा है हमको, जो हजारों लाखों लोग जो वोट डालने से वंचित रह गए, अब वो बेचारे जो गलती से दूसरी पार्टियों के भावनात्मक के निर्णय में आ गए, या मेयर चुनाव को पार्षद चुनाव से देख करके पार्षद के चुनाव के बंटवारे को ऊपर भी लागू कर गए, उन सारे लोगों से मुझे सहानुभूति है। मुझे विश्वास है कि आने वाली बड़ी लड़ाइयों में वो लोग हमारे साथ खड़े होंगे। ये चुनाव लोकसभा विधानसभा चुनाव के उलट ये निचले स्तर पे बंटवारे का चुनाव होता है। मुझे खुशी है समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं ने इसमें सहयोग किया, और 2-4 लोगों ने यदि नहीं भी किया है तो उनसे मुझे सहानुभूति है, क्योंकि यदि वो सोचते हैं कि समाजवादी पार्टी को कमजोर करके वो अपनी अच्छी राजनीति कर पाएंगे तो ये उनकी गलतफहमी है। जो साथी इस चुनाव के द्वंद्व के बीच में छोड़ के चले गए उनको मेरी बधाई, चूंकि उन्होंने बहती गंगा में हाथ धोया है।